हेलो फ्रेंड, मैं प्रीति ग्रीन लाइफ बाय प्रीति से। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो बेल आइकन आएगा उसको जरूर हिट कर दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाए। तो फ्रेंड, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा और यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम एक कप कॉर्नफ्लोर लेंगे। कॉर्नफ्लोर को कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। और सेम उतना ही फेविकॉल एमआर ले रही हूँ मैं। अब इसमें एक चम्मच ग्लिसरीन डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो बेबी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लिसरीन से जो ये का आर्टिकल बनता है उसमें शाइनिंग अच्छी आती है, ग्लो आता है। और मैं वेनेगर भी यूज़ करूँगी, जिससे फंगस लगने का डर नहीं होगा। और इसमें वाइट एक्रेलिक पेंट डालना है। यदि आप वाइट एक्रेलिक पेंट नहीं डालेंगे तो ये जो क्ले है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है हमको इसमें। अब इसको गैस पे रखेंगे स्लो फ्लेम करके, ज़्यादा तेज आंच नहीं रखनी है। और धीरे धीरे इसको बराबर चलाते जाना है, इसको ज़रा सी देर भी छोड़ना नहीं है। पाँच मिनट बाद ये इस तरीके का हो जाएगा, पर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको अभी और टाइम लगेगा। जब ये कढ़ाई से अपने आप निकलने लगे और कहीं भी चिपकी नहीं, स्टिक ना हो, तब समझिए कि ये क्ले रेडी हुआ है। सारा ऐसे करके पूरा कढ़ाई से इसमें आपस में इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। आंच को बराबर धीमा ही रखना है, तेज नहीं करना है। ये स्पून छोड़ने लग गया है तो अभी रेडी। अब इसमें को हम पॉलीथीन बिछा करके इसमें ऑयल या मॉइस्चराइजर डाल करके या वैसलीन डाल करके इसको अच्छी तरीके से मैश करेंगे। ये गरम गरम में ही करना है, इसीलिए थोड़ा सा संभाल करके इसको अच्छी तरीके से मैश करिएगा।
अच्छी तरह मैश होने के बाद हम इसको एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे। बॉक्स में रखने से पहले हम एक पॉली बैग में इसको रखेंगे और उस पॉली बैग में भी ऑयल या मॉइस्चराइजर लगा देंगे। और जब हम इसको क्ले का वर्क करेंगे तो इसमें कलर मिलाना ना भूलें, क्योंकि ये क्ले कलर्ड होती है, इसके बाद में कलर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है और ना ही इसमें किया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें कलर कैसे मिलाना है। तो इसमें सबसे पहले आप ये तरह का कलर मिलाइए और इसको मिलाते जाइए और इसमें कलर आ जाएगा। मैं इसमें ऑयल कलर मिला रही हूँ, और आप एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल कलर का रिजल्ट सबसे बढ़िया आता है। इनसे रेडी होने वाले प्रोजेक्ट्स इस तरीके के हैं। आप इससे फ्लावर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।